कश्मीर यूनिवर्सिटी के केंद्र परिसर हजरतबल में यूथ 20 परामर्श बैठक का शुभारंभ हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक का उद्घाटन किया। जलवायु परिवर्तन और आपदा की तीव्रता को घटाना इसका मुख्य विषय था। ये G20 के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता के लिए भारत का विषय वसुदेव कुटुम्बकम की सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली पर स्थापित है। इसका विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह द्वारा रामबन के कौबाग में JKP ट्रांजिट अकोमोडेशन और गैजेटेड ऑफिसर्स मेस का उद्घाटन किया गया। वहीं उन्होंने ADGP मुकेश सिंह, DIG DKR डॉक्टर सुनील गुप्ता, SP रामबन मोहिता शर्मा के साथ विशेष रूप से पर्यटन पर 3 दिवसीय G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा ग्रिड को कड़ा कर दिया गया है और दुश्मनों के सभी नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हाजिन के छात्रों व अध्यापकों द्वारा स्कूल के मुख्य बाजार हाजिन तक नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली भारत सरकार की एक पहल नशा मुक्त अभियान के बैनर तले आयोजित की गई। इस रैली को प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल हाजिन महबूब अहमद खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में लगभग 300 छात्रों ने हाथ में पोस्टर्स और तख्तियां लेकर रैली में भाग लिया, जिसमें लोगों को तंबाकू, नशीली दवाओं के उपयोग से खुद को दूर रखने का आग्रह किया गया। जनसंपर्क कार्यक्रम से संबंधित जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई अनूठी पहल को आगे बढ़ाते हुए DC बांदीपुरा डॉक्टर ओवेस अहमद ने बांदीपुरा के सुंबल सब डिविजन में ब्लॉक दिवस आयोजित किया। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और हाल ही में हुई बारिश के प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, सिंचाई, बिजली आपूर्ति की बहाली सहित अन्य मुद्दों को रखा गया। वहीं DC ने संबंधित अधिकारियों को स्कूल और कॉलेजों के बीच नशा मुक्ति पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। अंत में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों के बीच रस्सा कशी का आयोजन किया गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के दूर दराज और पिछड़े गांव सुंदरा में अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF की 3rd बटालियन ने एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस दौरान लोगों का मुफ्त चिकित्सा जांच और उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। स्थानीय लोगों द्वारा CRPF के इस कदम की सराहना की गई। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह के कैंप लगातार लगाए जाने चाहिए ताकि दूर दराज के गरीबों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। 22 मई से 24 मई तक श्रीनगर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर जम्मू कश्मीर के उद्योगपति भी काफी उत्साहित हैं। उद्योगपतियों का मानना है कि G20 सम्मेलन से जम्मू कश्मीर के उत्पादों के निर्यात में नए रास्ते खुलेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध होगा। ये वैश्विक बाजार में उतरने का सुनहरी मौका है।